अरमान भाई भी यही काम कर रहे हैं कि इधर की उधर तुरंत कर देते हैं, इस ग्रुप की बात सुन के अपने ग्रुप में बताएंगे, अपने ग्रुप की बात सुन के मेरे ग्रुप में नहीं बताते, आग लगाने का काम करते थे। हाँ, क्योंकि वो ऐसा टास्क था और जैसे हम लोग फंसे हुए थे वो मैंने तुरंत बोल दिया, तो उनके मुंह पे बोल दिया था तुम लोगों ने वोट किए, मैं बाहर जाके देखूंगी। हमने कहा दोस्त दोस्त बने घूम रहे, दोस्ती काट रहे हैं। मैंने मेरे हाथ में ट्रॉफी भी नहीं आ पाई और मैं फाइनल वीक में भी फाइनल फिनाले में भी नहीं जा पाई। तो जो मुझे ये लोग कह रहे थे मैसेज करके, मम्मी कह रही थी कि तुम जीत गई हो, तुम जनता की नजर में जीती हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हाय, हेलो, सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूँ आपके साथ नमिता और मेरे साथ है बहुत ही प्यारी शिवानी कुमारी। शिवानी, वेलकम टू फिल्मी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, सभी को मेरा नमस्ते। तो शिवानी, सबसे पहले तो ये बताओ, रिग्रेट किस चीज का है बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने का? कुछ है ऐसा जो अच्छा नहीं लगा पार्टिसिपेट करके? बस वो टास्क हुआ था इलेक्शन वाला, उसमें अच्छा नहीं लगा था मुझे। मुझे तो लगा शिवानी कुमारी अब पॉलिटिशियन बन के ही बाहर निकलेंगी इलेक्शन के बाद। मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसमें अपने लोगों की बुराई करनी पड़ रही थी। शिवानी बहुत इमोशनल रही है शुरू से लेकर, है ना, लेकिन कई लोगों ने इस बात का फायदा भी उठाया, तो कौन कौन उसमें शामिल है शिवानी के मुताबिक? फ़ायदा घर में जितने थे, अगर किसी को मुद्दा नहीं मिलता था तो मेरा ही मुझे बदतमीज कह के मुद्दा बना देते थे। तो शिवानी गांव की हैं, गांव की गवार है, शिवानी गोबर उठाएंगी, ये सब बातें भी आपके लिए कही गई है ना, तो वो सुन के ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगता किसी को भी। बिग बॉस में आने की वजह क्या थी और जिस तरह से लोगों ने डीमोटिवेट करने की कोशिश की आपको, वो आपको बुरा लगा? बिग बॉस की वजह, मैं बिग बॉस देखती थी, मुझे मैं सिद्धार्थ शुक्ला के मतलब ज़्यादा वो एपिसोड नहीं देखे, बस देखे हैं ऐसे जैसे रील वायरल होती थी वो सब देखती थी, लड़ाई झगड़े जो होते थे मुझे अच्छे लगते थे, तो मेरा भी एक सपना सा बन गया था कि मैं, मुझे भी मौका मिले तो बिग बॉस में जाऊँगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ बिग बॉस ने मुझे इस लायक समझा, मैं बिग बॉस में इतनी जल्दी पहुंच गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर, उसमें लगा था कि शिवानी सामने बैठी होंगी, लेकिन शिवानी पहले ही एविक्ट हो गई। मतलब मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ था जब आपका नॉमिनेशन हुआ था, और बाद में जब आपने खुद के बारे में बताया है ना, क्योंकि आपके जो दोस्त थे आपने उनसे पूरी दोस्ती निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ने भी छुरा घोंपा। जैसे अगर मैं सना मकबूल की बात करूं, उन्होंने आपके मुंह पर आपको ये बोला कि तुम विनर नहीं हो सकती, मैं तुम्हें विनर की कैटेगरी में नहीं देखती हूँ। आपको लगता कि उनको ये कहना चाहिए था? जैसे मैं बोलती थी कि लड़की आगे बढ़नी चाहिए, लड़की मैं ही होनी चाहिए, लड़की मतलब ये भी सही बात है कि लड़की आगे बढ़नी चाहिए, लड़की वो अपने आप को देखती होंगी, लड़की तो मैं भी थी, मुझे भी एक बार अगर सपोर्ट कर देती, बोलती कि चलो वोट करती हूँ मैं, नहीं वोट करती हूँ कुछ भी होता, मुझे अगर कुछ भी समझती, लेकिन अब वो अपनी नज़र से देख रही थी कि गेम में किसका क्या ज़्यादा अच्छा रहा, उसके हिसाब से उसे वोट करना था, तो उसने कर दिया। अब चार जगह अगर अच्छी रही, एक जगह हो भी गया, तब उसका क्या ही मुद्दा बना है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, या आप कान की कच्ची हैं, जो आपसे कहा जाए वो अंदर कह देती हैं। सो व्हाट डिड यू, मतलब आपको कैसा लगा उस पर? हाँ, ये बात है कि मैं एक बात सुनती थी लोगों की, मैं जल्दी बातों में आ जाती हूँ कि ये इसने बोला शायद ये ठीक होगा। ये उम्र का तकाजा है, मतलब आप सबसे छोटी भी रही? हाँ, मैं उस घर में सबसे छोटी थी और मुझे कुछ भी हमेशा विश्वास कर लेते थे लोगों पे कि ये सही बोल रहे हैं, ये मुझसे बड़े हैं, इन्होंने ज्यादा देखी है जिंदगी, इस बात पे लेके मैं विश्वास कर लेती थी। आपको तब भी बुरा लगा जब रणवीर ने आपने जब खाना बनाया और रणवीर ने आपकी प्लेट से या आपसे खाना नहीं खाया था तब? हाँ, प्लेट से नहीं, मैंने ये पूछा था कि भाई मैंने सब्जी बनाई है, क्या लोगे आप? क्योंकि उनको बिग बॉस ने ये बोला था कि तुम दोनों तरफ से खा सकते हो, तो वो नहीं ली, तो मुझे थोड़ा खराब लगा था। और आपने कैमरे पे ये भी कहा था कि ये जिनके साथ में बैठी हूँ वही लोग देखना मेरे लिए ऐसा वोट करेंगे या मेरे खिलाफ जाएंगे। हाँ, बोला तो पहले से कहीं ना कहीं जानती थी कि ऐसा होने वाला है। हाँ, क्योंकि वो ऐसा टास्क था और जैसे हम लोग फंसे हुए थे वो मैंने तुरंत बोल दिया, तो उनके मुंह पे बोल दिया था तुम लोगों ने वोट किए, मैं बाहर जाके देखूंगी। हमने कहा दोस्त दोस्त बने घूम रहे, दोस्ती काट रहे हैं, यही हम बोल के आए थे। तो बिग बॉस में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म होता है, मतलब जिनको वो चाहते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा लगता है आपको? अब ये मैं तो नहीं बोल, शुरू में आपके लिए भी कहा जा रहा था शिवानी की बिग बॉस आपको लेके बायस है,
है ना, ये हमने शुरू में जब और कंटेस्टेंट से मिले जो इविक्ट हुए उन्होंने आपके बारे में बोला था, खास करके अगर मैं पाओलो मे की बात करती हूँ या पायल की बात करती हूँ, कि बिग बॉस में शिवानी को सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं गाँव से आने का। अच्छा। क्योंकि इंडिया इज मतलब वो व्हाट वी सी इन द रूरल एरिया। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो उनके भी तो दो इंसान अंदर थे, अभी भी नहीं आए, उनके जितना तो आग में घी डालने वाला कोई काम नहीं कर रहा है। अरमान भाई भी यही काम कर रहे हैं कि इधर की उधर तुरंत कर देते हैं, इस ग्रुप की बात सुन के अपने ग्रुप में बताएंगे, अपने ग्रुप की बात सुन के मेरे ग्रुप में नहीं बताते, आग लगाने का काम करते थे एक तरीके से। अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जर्नलिस्ट की कुर्सी पर होती और आपको सवाल पूछने होते, तो आप किससे क्या पूछती? मैं अरमान भाई से पूछती कि तुम इतना ये सब क्यों करते हो, सही जो सवाल पूछे वो सही पूछे थे सब। तो वो फेक बनते हैं, वो फेक हैं या वो रियल हैं, उनकी क्या सच्ची पर्सनालिटी है शिवानी के मुताबिक? जो वो अंदर दिख रहे हैं इधर उधर के करते हैं वो अच्छे तो लगते नहीं मुझे किसी भी एंगल से, लेकिन जो अंदर कर रहे हैं वो तो रियली देख रहे हैं कि वो कैसे हैं क्या हैं। सबसे ज्यादा कौन ऐसा फेक कर रहा है अंदर, या सबसे ज्यादा कौन ऐसा मतलब जो होता है ना पर्सनालिटी की दिखाता कुछ और है कुछ और अंदर से डिप्लोमेटिक है? मैं बात करूंगी कृतिका की, क्योंकि बिग बॉस में जाते ही खाना बनाना, एक इंसान कभी घर घर की बर्तन उठा के इधर ना रखे और बिग बॉस में जाते ही खाना बनाने लगे, ये कहीं ना कहीं ये एक दिखाने का वो होता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ, मैं तुरंत खाना बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सबसे उनका ही ये लगता था कि वो कैमरे के लिए करती थी। कृतिका के बारे में कहा गया कि वो डम है, है ना, उनका अपना मुद्दा कोई नहीं होता। हाँ ये बात सही है, अपने पति की बात से घसीट लिया फिर उसमें, मुझे घसीट लिया भाई, तो वो ज्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझती थी, मैं उनके पति की बात में थोड़ी आ जाती थी, अगर कृतिका कुछ भी बोल रही है तो उनके पति संभाल लेते थे उस जगह, मेरे भी इंसान मेरे साथ भी कोई होता तो मेरे घर से कोई साथ में होता तो उनको जवाब दे पाता, जैसे कि अरमान संभाल लेते थे सब कुछ, अरमान भाई हमेशा आपकी सपोर्ट में खड़े रहे थे। अब जब पूछा गया था, अनिल सर ने पूछा था कि तुम किसको विनर देखना चाहते हो, तो कहते हैं एक तरफ कृतिका हो एक तरफ रणबीर भाई हो, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को तो सपोर्ट करते ही हैं। अच्छा विशाल से भी बात हो रही थी, तो विशाल ने बोला जैसे वो आपको अपनी बहन भी मानते हैं, तो विशाल की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसमें आपको क्या लगा कि कौन सही था और कौन नहीं था उस वक्त, अरमान को बाहर निकालना चाहिए था? हाँ कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल निकालना चाहिए था, अगर बिग बॉस का ये रूल्स था कि तुम थप्पड़ मार दो और तुरंत बाहर नहीं निकाला, वहाँ नॉमिनेट कर दिया हमेशा के लिए सीजन भर के लिए और फिर नहीं निकाला, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत हुआ। सबसे अच्छी चीज बाहर आने के बाद क्या हुई शिवानी के साथ, मतलब शिवानी बहुत इमोशनल है तो घर वालों से मिलके घर अच्छा से लगा? सबसे बात की सबसे अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई, मैं अंदर से तो निकल आई, मैंने मेरे हाथ में ट्रॉफी भी नहीं आ पाई और मैं फाइनल वीक में भी फाइनल फिनाले में भी नहीं जा पाई, तो जो मुझे ये लोग कह रहे थे मैसेज करके, मम्मी कह रही थी कि तुम जीत गई हो, तुम जनता की नजर में जीती होगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जनता ने जो प्यार दिया वो अच्छा लगा, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मेकर्स ने यूज किया या नहीं? वो अंदर नॉमिनेशन की वजह से हुआ था, रणबीर भाई ने नॉमिनेट किए थे वो इंसान, अगर मैं नॉमिनेट नहीं होती तो मेकर्स क्यों निकालते मुझे। अगर शिवानी को नॉमिनेट करना हो तो किनको नॉमिनेट कर देंगे अभी इसी वक्त? अभी इसी वक्त मैं करूंगी कृतिका मलिक को नॉमिनेट और करूंगी अरमान तो है ही पहले से ही नॉमिनेट और साई केतन को भी करूंगी, तीनों को करेंगी। और कौन जीतता है लग रहा है आपको? मैं तो अपनी नजर में मेरी जो टीम के थे मैं तो उनको ही सपोर्ट करूंगी, वही जीते लवकेश, लवकेश भाई जीते। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शिवानी। वैसे अपने फैंस के लिए क्या बोलोगे आप? बस यही बोलना चाहूंगी कि इतना प्यार दिया, मैंने सोचा नहीं था कि बिग बॉस में जाने के बाद इतना प्यार मिलेगा, जहाँ मुझे सब बदतमीज बोलते हैं और बाहर आके देखते हैं, इतनी अहमियत इतनी इज्जत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब तरक्की करेंगे आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।